हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ साथ अब सूबे के बच्चों को संस्कारी शिक्षा कैसे दी जाए, इस दिशा में भी शिक्षा बोर्ड ने एक कदम और आगे चलाया है। शिक्षा बोर्ड की ओर से अब हर स्कूलों में सुबह की सभा में कुलगीत बजाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही हिमाचल के पर्यावरण और इस प्रदेश की खूबसूरती समेत यहां की सभ्यता और संस्कृति से ओतप्रोत कुछ प्रार्थनाएं भी शिक्षा बोर्ड ने तैयार की है, जिन्हें इस बार के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के जरिए शिक्षा बोर्ड रिलीज करेगा। हमारा स्कूलों से संबंधित कोई कुलगीत नहीं था, तो इसके ऊपर विचार किया गया कि पाठशालाओं में पूरे हिमाचल में कुलगीत बजे, और इस कुलगीत में जो वर्तमान की शिक्षा नीति है वो किस प्रकार की है, इस बात का भी उसमें पूरा जिक्र है, और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के सौंदर्य के ऊपर भी, हिमाचल प्रदेश के इतिहास पर, और शिक्षा नीति किस प्रकार से प्रतिभा का परिष्कार करती है, कैसी शिक्षा नीति चाहिए, इन सब बातों को लेकर एक कुलगीत का निर्माण किया जा रहा है जो पूरे विद्यालय में बजेगा। इसके साथ साथ कुछ प्रार्थनाएं जो थीमेटिक हैं, पर्यावरण की रक्षा हम कैसे करें, पेड़ों का क्या महत्व है, सच बोलने की राह पर चलना चाहिए, और हिमाचल बंधन मेरे हिमाचल, यानी जिस प्रदेश से हम उसका बंधन करते हैं, क्योंकि हम भारतवर्ष के वासी हैं, तो भारतवर्ष के वासी होने के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं, तो इसका भी हमें गौरव है। तो इसके ऊपर भी एक प्रार्थना बनाई गई है जो कि बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रवास पे आएंगे और बोर्ड को कार्यक्रम मिलेगा तो उस वक्त ये सारा रिलीज कर दिया जाएगा, जिसमें कि कुलगीत भी होगा, विद्यालय कुलगीत भी, और प्रार्थनाएँ, इसके ऊपर काम चल रहा है। और साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड एक ऐसा पहला संस्थान बना था जिसने कि संस्कृत, जो कि राज्य के द्वारा दूसरी भाषा ऐसा घोषित कर दिया गया है राजभाषा, तो जो न्यूज़लेटर है वो तीन भाषिया बनाने वाला पहला इंस्टीट्यूशन बोर्ड हुआ है। तो तीन भाषिया न्यूज़लेटर हमने पहला निकाल दिया, दूसरा न्यूज़लेटर भी हम निकालने वाले हैं, और जितनी भी बोर्ड की गतिविधियां थी कोविड काल में भी हमारी गतिविधियां सामान्य तौर पर चली, बड़े सावधानी के साथ हमने चलाया, सोशल डिस्टेंसिंग और जितना ह्यूमन रिसोर्स हमें चाहिए होता था उससे बहुत कम, यानी 50-60 ह्यूमन रिसोर्स के साथ दिन रात काम करके रिजल्ट, चाहे सामान्य रिजल्ट जो था वो हमने निकाले, समय पर निकाले। पुस्तकों का वितरण भी इसके लिए तो केंद्र सरकार के द्वारा प्रशंसा की गई है, हिमाचल प्रदेश स्टेट की पुस्तकें भी कोविड काल में समय रहते हर एक बच्चे के हाथ में पहुंचा दी है। तो ये सारा अन्य जो टेस्ट हैं, चाहे टेट का टेस्ट है, चाहे डीएलएड है, ये सामान्य गतिविधियां हमारे बिना रोक टोक के, किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हुआ, और ये सारी हमने बोर्ड जो है वो सामान्य तौर पर कार्य कर रहा है। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट।